आज के इस वीडियो में हम यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर के स्थानों को देखेंगे कि वे आज के जमाने में आज की स्थिति में कैसे दिखाई देते हैं। सो हमारा सबसे पहला जो स्थान है वह है यीशु मसीह का जन्म का स्थान। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम के नासरत के बैतलहम नगर में हुआ था और उस जगह को आज हम देख सकते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। आज इस स्थान को अलग तरीके से ही बदल दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं यीशु मसीह का जन्म जो है वह एक सराय में हुआ था और एक भेड़शाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, किंतु आज हम देख सकते हैं कि इस स्थान को बहुत ही परिवर्तित कर दिया जा सकता है। जो आप देख सकते हैं कि वह स्थान कैसा दिखाई देता है। यह स्थान एक पर्यटक स्थल बन चुका है और बहुत सारे लोग इस जगह को देखने आते हैं कि यीशु मसीह का जन्म यहाँ हुआ था। अगला जो स्थान है वह है जहाँ यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन नदी में बपतिस्मा दिया था। वह स्थान आज कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अगला जो स्थान है वह यीशु मसीह का वह स्थान है जहां पर से यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर उस गुलगुथा पहाड़ तक का सफर किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो थे 1.5 क्विंटल वजनी जो लकड़ी का जो लट्ठा था जिसे क्रूस कहा जाता है, उस क्रूस को उठाकर गुलगुथा पहाड़ तक का सफर उन्होंने तय किया था। तो वह स्थान कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और अगला स्थान है गुलगुथा पहाड़। जैसा कि हम जानते हैं कि गुलगुथा का अर्थ जो है वह होता है खोपड़ी नुमा, या फिर हम कह सकते हैं इसे इंग्लिश में स्कल कहा जाता है। इस प्रकार गुलगुथा पहाड़ पर क्रूस की सजा दी जाती थी और इस सजा को कलवरी कहा जाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है वह खोपड़ी के आकार का दिखता है। मतलब इसके दो आंखें हैं और मुंह है, ऐसे जैसे खोपड़ी का होता है वैसे इस पहाड़ की आकृति है। ये पहाड़ ऐसा ही दिखाई देता है जिसके ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था और उनके साथ दो जो डाकू थे उनको भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। अगला जो चीज है वह है यीशु मसीह को जो कीले ठोके गए थे, मतलब उनके हाथों और पैरों में जो कील उनको ठोके गए थे वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसे आज संग्रहालय में म्यूजियम में जिसे संजो कर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है लोगों का कि यह जो कील है वह यीशु मसीह को ही ठोके गए थे, उसे आज तक इन्होंने बचा कर रखा है। अगला जो स्थान है वह है यीशु मसीह का कब्र, मतलब टॉम्ब ऑफ जीसस। जैसा कि आप देख सकते हैं यह है यीशु मसीह का कब्र। यही यीशु मसीह के मृत शरीर को रखा गया था। इस कब्र को पहाड़ या चट्टान को तोड़कर खोदकर बनाया गया था और इसके सामने जो है एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा लगाया था जो लुढ़का कर इसे बंद और खोला जा सकता था। और यही यीशु मसीह के मृत शरीर को रखा गया था इस कब्र में। किंतु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद इस कब्र को खाली, यह कब्र खाली हो गया और आज तक यह कब्र जो है खाली है और आप वहां जाकर यहां घूमने जा सकते हैं, इसे देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं और घूमने आते हैं। इस प्रकार यह यीशु मसीह का कब्र है जहां उन्हें रखा गया था। अगला जो चीज है वह यीशु मसीह के कपड़े। ऐसा कहा जाता है कि यह जो कपड़ा जो आप देख सकते हैं वह यीशु मसीह के कपड़े हैं जो कि 2000 साल पुराने हैं। मतलब क्रूसीकरण से पहले जो यीशु मसीह ने कपड़े पहने थे, जब उन्हें निर्वस्त्र किया गया तब उनके जो कपड़े को नीलाम कर दिया गया था, तो वही कपड़े आज भी लोगों ने इसे म्यूजियम में संभाल कर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि यही यीशु मसीह के कपड़े हैं, किंतु यह कितना सच है और क्या इसकी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यही यीशु मसीह के कपड़े हैं। इस प्रकार आपने कुछ स्थानों को जो बाइबल में पाए जाते हैं आपने देखा। यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक के स्थानों को आपने देखा और उनके कपड़ों को भी जो आज भी पाए जाते हैं आपने देखा। और इसी तरह के और भी बाइबल में पाए जाने वाले स्थानों के और बाइबल में पाए जाने वाले चीजों को आप देखना चाहते हैं, या बाइबल में जो भी वर्णित है उन सभी चीजों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आने वाले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इसी प्रकार आप बने रहे हमारे साथ क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।